फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। वैक्यूम ट्यूब एक नाजुक कांच का यंत्र था जिसे गैस को निकालकर वैक्यूम बनाया गया था, और प्रारंभिक कंप्यूटर में इसे एक स्विच या एम्पलीफायर के रूप में उपयोग किया जाता था। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर था। इसका आविष्कार जे प्रेस्पर एकट और जॉन विलियम मॉचली ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में किया था। ENIAC लगभग 30 से 50 फीट लंबा था जिसका वजन 30 टन था। इसके लिए 18,000 वैक्यूम ट्यूब, 70,000 रजिस्टर, 10,000 कैपेसिटर और 150,000 वॉट बिजली की आवश्यकता होती थी। हाइड्रोजन बम के निर्माण हेतु कठिन गणना करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में ENIAC का पहली बार उपयोग किया गया था। बाद में इसका उपयोग मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, अंतरिक्ष अनुसंधान के गणितीय समस्याओं को हल करने और अन्य वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता था, लेकिन इसकी बहुत धीमी गति के कारण इसका उपयोग जल्दी ही बंद कर दिया गया। ENIAC के बाद जॉन प्रेस्पर एकट और जॉन विलियम मॉचली ने वर्ष 1946 में EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। EDVAC में प्रोग्राम्स के साथ साथ चल रहे डेटा भी मेमोरी में संग्रहित होते थे तथा इसमें डेटा और निर्देशों दोनों बहुत तेज प्रोसेस हो रहे थे। सन 1952 में एकट और मॉचली ने पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी विकसित किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। इस जनरेशन में प्रोग्रामिंग मशीन और असेंबली लैंग्वेज में की जाती थी। मशीन लैंग्वेज केवल शून्य और एक पर आधारित होती है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी की समय अवधि 1940-1956 थी जो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसका विकास विलियम शॉकली ने 1947 में किया था। कंप्यूटर आकार में छोटे, तेज और सस्ते हो गए थे, जो पहले की तुलना में कम ऊर्जा का इस्तेमाल करते थे। इन कंप्यूटरों पर प्रोग्रामिंग करना संभव था। इसमें मेमोरी के तौर पर चुंबकीय टेप का प्रयोग किया जाता था। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की समय अवधि 1956-1963 थी जो ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट या IC का इस्तेमाल किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट एक जटिल चिप होता है जिसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं। IC का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जैक केवी द्वारा 12 सितंबर 1958 में किया गया था। ICL 2903, ICL 1900, UNIVAC 1108 और सिस्टम 1360 इस पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर थे। IC इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं। उन्हें सिलिकॉन चिप्स पर लगाया जाता है जिन्हें सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। इससे कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है क्योंकि ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर तीनों ही एक IC में समाहित हो जाते हैं, जिससे कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो जाता है और इसकी काम करने की गति भी बढ़ जाती है और इसमें बिजली की खपत भी कम होती है। इस समय तक कंप्यूटर आम आदमी की पहुंच के भीतर आ गया था। स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण इन कंप्यूटरों की गति माइक्रोसेकंड से नैनोसेकंड तक हो चुकी थी। इन कंप्यूटरों में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाने लगा था तथा नए नए हाई लेवल लैंग्वेजेस का विकास हुआ था, जैसे बेसिक, बिगिनर्स, ऑल पर्पस असेंबली, IC इंटीग्रेटेड सर्किट के कारण कंप्यूटर अधिक तेज हो गया था तथा इसके आंतरिक कार्य स्वचालित हो गए थे। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की समय अवधि 1964-1971 थी जो इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। ये कंप्यूटर वर्तमान में उपयोग होते हैं और आगे विकसित किए जा रहे हैं। इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर चिप्स विकसित किए गए थे। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार 1971 में मासी निहाफ द्वारा किया गया था। कंप्यूटर संचालन के लिए शून्य और एक को कोडित किया गया था। ये बाइनरी संख्या के रूप में जाना जाता है। इस पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर बहुत छोटे थे, वे आपकी हाथ की हथेली में फिट हो सकते हैं। इन कंप्यूटरों को छोटे से छोटा, अधिक तेज और सस्ते बनाया गया था और व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। इस चरण के दौरान माउस और अन्य पेरिफेरल डिवाइस जैसे जॉयस्टिक इत्यादि को विकसित किया गया था। एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करने के लिए एक नेटवर्क में कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ा जा सकता था।
इसने इंटरनेट के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माइक्रो प्रोसेसर की यह तकनीक, जिसे लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम दिया गया था, एक छोटी सी चिप में लाखों ट्रांजिस्टरों से निर्मित इस चिप को ही माइक्रो प्रोसेसर नाम दिया गया था। पहला माइक्रो कंप्यूटर मिक्स नाम की प्रसिद्ध कंपनी ने बनाया था। आज दुनिया में दो बड़ी माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां इंटेल और एएमडी है। उच्च गति वाले नेटवर्क का विकास हुआ, जिन्हें आप लैन लोकल एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डॉस का पहली बार इस्तेमाल इसी पीवी में हुआ था। इसके साथ ही कुछ समय बाद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटरों में आने लगा था, जिसकी वजह से मल्टीमीडिया का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। इसी समय सी प्रोग्रामिंग भाषा का विकास हुआ था, जिससे प्रोग्रामिंग करना सरल हो गया था। कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे बड़ी क्रांति इस पीढ़ी को माना जाता है। कंप्यूटर का उपयोग अब हम सभी पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी करने लगे हैं। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन हिंदी की समय अवधि 1971-1980 थी, जो VLSI माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी पर आधारित थी। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी, जिस पर अभी काम चल रहा है, पर यह अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि पांचवी पीढ़ी किस दिशा में जाएगी। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तकनीक पर आधारित है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमता विकसित की जा रही है, ये उसी के अनुसार कार्य करेंगे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में स्वयं सोचने की क्षमता पैदा की जा रही है। कंप्यूटर को हर क्षेत्र में कार्य करने योग्य बनाया जा रहा है और कुछ हद तक सफलता भी मिल चुकी है। उदाहरण के लिए विंडोज कॉर्टाना, गूगल असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट, एप्पल सीरी आदि को आप देख ही रहे हैं। इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की सहायता से इसे अधिक सरल बनाया जा रहा है। ये कंप्यूटर किसी समस्या के हल करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये नेटवर्क के माध्यम से जुड़े होते हैं। कुछ कंप्यूटर्स को तो मनुष्य की तरह व्यवहार करने तथा सभी काम खुद से करने के लिए डिजाइन किया जा रहे है, जिन्हें रोबोट कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित रोबोट सोफिया है। आपने मार्वल आयरन मैन 2008 फिल्म देखी ही होगी। टोनी स्टॉक, रॉबर्ट डाउनी जूनियर के JARVIS और FRIDAY आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के बारे में तो निश्चित रूप से सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आपको मैं बता देता हूँ। JARVIS और FRIDAY एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो आयरन मैन से बात कर सकता है। यह एप्पल सीरी जैसा ही है, लेकिन उससे 2,00,000 गुना अधिक उन्नत है। यह बहुत से काम कर सकता है, जैसे इंसानों की तरह बात करना, एनालिसिस करना, सिमुलेशन करना, कॉपी करना, अपलोड करना, हैकिंग करना और साथ ही आयरन मैन के सूट और डिफेंस सिस्टम का उपयोग करना आदि शामिल है। हालांकि ये काल्पनिक है, ऐसा सुनने को मिल रहा कि 2050 तक हमें ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। इस पे अभी काम चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की समय अवधि 1980 भविष्य है।